गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोग्रेशन, नॉन प्रोग्रेशन, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज सीरीज, व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एन एपी. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी. Let A be the first term and D be the common difference of an AP. देखिए बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी. इसका मतलब ये है, अगर कोई एपी दी हुई है तो उसके एन टर्म्स का सम क्या होगा. लेट A be the first term and D be the common difference of an AP. मान लेते हैं जिस AP का हमें सम निकालना है n terms का, उसका first term A है और common difference क्या है, D है. Then the general terms will be, आपको हमने एपी के जनरल टर्म्स के बारे में बताया है कि एपी के जनरल टर्म्स क्या होते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. लेट sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. देखिए बच्चों, हमने किया क्या, हमने मान लिया जिस एपी का या जिस सीरीज का हमें सम निकालना है उसके एन टर्म्स का, उसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है. तो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ऐसी सीरीज का यानी एपी का जनरल टर्म्स क्या होते हैं, a a + d, a + 2d एंड सो ऑन, a + n - 1 इंटू डी. लेट हमने ये भी मान लिया कि जो sn है, sn क्या डिनोट कर रहा है, sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. मतलब sn क्या है, ये जो n टर्म्स लिखे हुए हैं इन सभी का क्या है, सम है. लेट sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी. एंड l क्या डिनोट करता है, l डिनोट्स द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी एंड l डिनोट्स द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी. अच्छा बच्चों देखिए, अगर L जो है एपी का लास्ट टर्म डिनोट कर रहा है, आपको हमने ये बताया हुआ है, अगर किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है n टर्म्स है, तो जो उसका nth टर्म होता है, जैसे ये कौन सा टर्म है बच्चों, ये nth टर्म है, ये कौन सा टर्म है, nth टर्म, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं. जिस एपी में हमें लास्ट टर्म पता होता है, जैसे यहाँ पर nth टर्म, इसके आगे कोई टर्म नहीं, तो ये an ही भी होता है और इसको हम l भी बोलते हैं. तो लेट l डिनोट्स द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, देन l इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू डी. अब बच्चों हमें करना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी. आप देख रहे हो ये सीरीज है, इनके फर्स्ट एन टर्म्स का हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है. तो दैट इज, अगर हम इनको, इनके सम को लिखें, यानी पहला टर्म जो कि ए है सीरीज का, दूसरा टर्म जो कि ए प्लस डी है, थर्ड टर्म जो कि ए प्लस टू डी है एंड सो ऑन, इसी तरह चलते जाएंगे. लास्ट टर्म बच्चों क्या लिख रहे हैं हम, प्लस एल. और इसके सम को हमने क्या माना है, sn माना, sn denotes the sum of first n terms. ये सीरीज के जनरल टर्म्स हैं, फर्स्ट n टर्म्स हैं, इनके सम को हमने क्या माना है, sn माना है. अब बच्चों एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे लास्ट टर्म लिखा हुआ l, अगर हम आपसे पूछे l से जस्ट पहले कौन सा टर्म होगा, तो आप क्या बोलोगे, l - d. इससे पहले अगर आपसे पूछे कौन सा टर्म होगा, तो आप क्या बोलोगे, l - 2d. बच्चों देखिए ये कैसे हो रहा है, आप जरा ध्यान से देखिए, इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस क्या है, डी. मतलब कौन सा वो ऐसा पर्टिकुलर नंबर है या टर्म है जो बार बार ऐड हो रहा है. डी एक ऐसी क्वांटिटी है जो हर एक टर्म में ऐड हो रही है, a a + d, फिर डी ऐड करोगे a + 2d. इसी तरह यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए a a + d a + 2d, मतलब d कॉमन डिफरेंस है, d सभी टर्म में ऐड हो रहा है. तो अगर पीछे से देखें, ये l है, तो इससे जस्ट पहले जो टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, l - d होगी. आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, अभी बता रहे हैं कैसे. l - d से जस्ट पहले जो
टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी l माइनस टू डी, आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, आपको पता है d कॉमन डिफरेंस है, जरा l माइनस टू डी में आप d ऐड करिए, जैसे l माइनस टू डी में आप d प्लस करेंगे तो क्या आएगा l माइनस डी, अब l माइनस डी में जैसे ही d प्लस करेंगे तो क्या आएगा l, आपको पता है d क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि d यहां पर क्या है कॉमन डिफरेंस है जो कि हर टर्म में ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब अगर लास्ट टर्म से सेकेंड लास्ट टर्म थर्ड लास्ट टर्म पूछा जाए तो ये लिखेंगे, इसको क्यों लिखें अभी आपको हम समझा रहे हैं। बच्चों आपने एक चीज पढ़ी होगी कि नंबर्स अगर लिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 को ऐड करो या 3 प्लस 2 प्लस 1 को ऐड करो, दोनों का रिजल्ट बच्चों क्या आता है सेम आता है, एल से स्टार्ट करेंगे और ए पे खत्म करेंगे, तो एल प्लस एल के जस्ट पहले कौन सा टर्म है एल माइनस डी प्लस यहां पर क्या है एल माइनस टू डी एंड सो ऑन ऐसे आता जाएगा, फिर हम क्या लिखेंगे ए प्लस टू डी, फिर क्या लिखेंगे ए प्लस डी, और इधर से लास्ट टर्म क्या होगा जो इधर से पहला टर्म क्या था ए, तो इधर से क्या हो जाएगा लास्ट टर्म, तो बच्चों इनके सम को भी क्या बोलेंगे ऐसे नहीं तो बोलेंगे, मैंने जैसा कि बताया आप चाहे 1 प्लस 2 प्लस 3 बोलो चाहे 3 प्लस 2 प्लस 1 बोलो, दोनों का सम क्या होता है सेम होता है, तो आप चाहे ए से लेकर एल तक ऐड करो या एल से लेकर एल या एल से लेकर ए तक ऐड करो, दोनों के सम को हम क्या बोलेंगे ऐसे नहीं तो बोलेंगे, इसका भी सम ऐसे ना आएगा और इसका भी सम क्या आएगा ऐसे ना, बच्चों क्या करिए दोनों को जरा ऐड करिए, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा a प्लस एल, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, यहां पर भी क्या आया a प्लस एल, ये 2d से 2d कैंसिल, यहां पर भी क्या आया a प्लस एल, इसी तरह यहां पे भी 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी क्या आएगा a प्लस एल, यहां पे भी क्या आएगा d से d कैंसिल a प्लस एल, और यहां पर भी क्या आएगा a प्लस एल, और LHS में बच्चों क्या आएगा SN प्लस SN, इसका मतलब 2SN। अब आपसे हम ये पूछें ये A प्लस L, A प्लस L, A प्लस L कितनी बार है, कितनी बार आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, यहाँ पर कितने टर्म हैं N टर्म्स हैं, यहाँ पर कितने टर्म थे N टर्म ही तो हैं, तो आप अगर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर भी ये जो A प्लस N लिखा हुआ है ये कितनी बार प्लस हो रहा है N टाइम्स, कितनी बार बच्चों N टाइम्स। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे अब हम इनको जरा ऐड करते हैं, a प्लस एल को अगर हम कॉमन ले लें, a प्लस एल को अगर हम कॉमन ले लें बच्चों तो देखिए क्या आता है 2sn equals to a प्लस एल, अगर बच्चों आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या आएगा देखिए यहां पर 1 बचेगा, सभी जगह 1 1 बचेगा, 1 प्लस 1 एंड सो ऑन प्लस 1, अच्छा ये 1 बच्चों कितनी बार है, ये 1 कितनी बार है n टाइम्स है। अब बच्चों ये बताइए ये 1 अगर n बार है, 1 अगर 2 बार ऐड किया जाए तो 2 आएगा, 1 अगर 3 बार ऐड किया जाएगा तो 3 आएगा, 1 अगर n बार ऐड किया जाएगा तो क्या आएगा n आएगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 2sn equals to इन सभी का सम आया n, तो इसको चाहे आप पहले लिख दो n और इन टू में ये ब्रैकेट में क्या बचा हुआ था a plus l, 2 को आप बच्चों नीचे भेज दो तो sn equals to n by 2 a प्लस एल, ये होता है फार्मूला टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, ये फार्मूला बच्चों हम तब यूज करते हैं जब हमें सीरीज का एपी का लास्ट टर्म, l क्या होता है लास्ट टर्म अगर गिवन है तो आप डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज कर लोगे बड़ी आसानी से आ जाएगा। बच्चों एक और फार्मूला होता है उसके लिए करेंगे क्या, हमने l की वैल्यू क्या ली हुई थी, l हमारा क्या था सिंस l इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जब आप प्रूफ के स्टार्टिंग में जाएंगे तो वहां पर l की वैल्यू हमने क्या ली हुई थी l इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहां पर पुट करिए तो देखिए क्या मिलेगा sn इक्वल्स टू n by 2 a प्लस l की जगह पे वैल्यू पुट करिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा n by 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो बच्चों ये हो गया फार्मूला, चाहे आप ये फार्मूला यूज करिए चाहे ये फार्मूला यूज करिए, बस फर्क सिर्फ इतना यहाँ पर L है यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, कहने का मतलब अगर आपको सीरीज का लास्ट टर्म पता है तो आप बिल्कुल ये वाला फार्मूला आसानी से यूज कर सकते हो और बिना विदाउट लेंदी कैलकुलेशन आपको रिजल्ट मिल जाएगा, अगर L लास्ट टर्म आपको नहीं पता है डॉट 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 बोला जा रहा है और बोला जा रहा है n टर्म्स तक है तो आप इस फार्मूले का यूज करके सीरीज का सम निकाल सकते हो। ध्यान रखिएगा ये जो L लिखा हुआ है इस L की वैल्यू क्या है L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो बच्चों जो हम टॉपिक आज स्टार्ट किए थे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, तो उसका फार्मूला क्या होता है sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक और फार्मूला क्या होता है sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस l। बच्चों जो चीज आपको हमने ये प्रूफ कराया ये पीडीएफ के माध्यम से भी आपको मिल जाएगा,
तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप केवल यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। पीडीएफ में जो जो चीजें यहाँ पर बता रहे हैं वो सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इसके बाद बच्चों आते हैं एक रिजल्ट पे, एक रिजल्ट है वो क्या है जरा देखिए। इफ SN इज गिवन, कहने का मतलब अभी तक क्या रहता था, AN आपको अगर दिया रहता था तो आप निकाल लेते थे N की वैल्यू, 1 पुट करके, 2 पुट करके, 3 पुट करके A1, A2, A3, A4 सीरीज मिल जाती थी। बट बच्चों ये पैटर्न ऐसा है, अगर आपको दे दिया जाए SN, इफ SN इज गिवन देन बच्चों रिलेशन होता है AN इक्वल्स टू SN-SN-1। बच्चों ये NCERT में आपको एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन मिलेगा, रेफरेंस में 2-3 क्वेश्चन ये मिलेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि प्रैक्टिस में कम आता है, और बच्चों ये हमारा एक्सपीरियंस ये देखा गया है जो क्वेश्चन बच्चों की प्रैक्टिस में कम आता है, और अगर वो क्वेश्चन या उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो वो आपको डिफिकल्ट लगता है। तो बच्चों ये उल्टा हम क्यों कह रहे हैं, कहने का मतलब अभी तक क्या करते थे हम, सीरीज पता रहती थी तो हम SN उसका सम फाइंड आउट करते थे। अब यहाँ पर क्या है रिजल्ट, ये क्या कह रहा है, इफ SN इज गिवन मतलब आपको सम ऑफ एन टर्म दिया रहेगा तो बोला जाएगा सीरीज निकालो, फर्स्ट टर्म निकालो, सेकेंड टर्म निकालो, तो इस रिलेशन का यूज करेंगे। अब ये रिलेशन होता क्या, अभी मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, इस रिजल्ट का प्रूफ मैं देने जा रहा हूँ बच्चों विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से हम इसका प्रूफ देने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। क्या करेंगे, कंसीडर द सीरीज 1, 3, 5, 7 अप टू एन टर्म्स। एक हमने सीरीज कंसीडर की 1, 3, 5, 7 अप टू एन टर्म्स। आप देख रहे हो बच्चों ये AP में है। अच्छा, अब यहां पर बोला जाए हियर सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, आपसे ये पूछा जाए बच्चों सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, तो इसका नोटेशन क्या होगा, S1 होगा। SN क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो S1 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म S1, और S1 यहां मतलब फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, अब वन टर्म यानी पहला टर्म क्या है A का मतलब यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है 1। अगर यही चीज नीचे लिखे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, S2, S2 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, और इसको बच्चों क्या बोलेंगे, S1 प्लस A2, कहने का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म में, यानी जो S1 है या आप A भी कह सकते हो, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म में अगर आप सेकेंड टर्म, A2 क्या है, A2 यही तो है इसमें, यानी कहने का मतलब अगर आप 1 में 3 को ऐड कर दो तो S2 आ जाएगा कि नहीं, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। इस तरह से आगे देखिए सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, तो ये क्या आएगा, इसको डिनोट किससे करेंगे, S3 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। इसको हम क्या लिखने जा रहे हैं, क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म में हम A3 को ऐड कर देंगे, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म में हम A3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म कितना आया है 4, A3 मतलब थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है 5, यानी 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा बच्चों 9। इसी तरह अगर हम आपसे पूछे सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म, तो बच्चों इसको किससे डिनोट करोगे आप, S4 से, तो ये क्या हो जाएगा S3 प्लस A4। सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म हमें चाहिए 1 से लेकर 7 तक, यानी फर्स्ट फोर टर्म का अगर हमें सम चाहिए तो क्या करेंगे, S3 यानी सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म प्लस A4 यानी कि फोर्थ टर्म, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म कितना आया है 9, और फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है 7, यानी बच्चों ये क्या हो जाएगा 16। कहने का मतलब S1 आ गया, S2 आ गया, S3 आ गया, S4 आ गया। अगर बच्चों इसी को nth टर्म तक हम प्रोसीड करते जाए तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, और इसको बच्चों ये S4 है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म को किससे डिनोट करेंगे, SN से। आप देख रहे हो सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म था तो S4 से, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म था तो S3 से, और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म है तो किससे डिनोट करेंगे, SN से। अब ये पैटर्न पहचानिए, यहाँ पे S2 था तो यहाँ पे S1 हो रहा है, यहाँ पे 3 था यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पर 1 कम। आप देख रहे हो जो सम का नंबर यहाँ पर सफिक्स में है उससे 1 कम यहाँ पर हो जा रहा है, तो यानी यहाँ पर अगर SN है तो यहाँ पर बच्चे हो जाएगा SN-1 प्लस, यहाँ पर S2 था तो यहाँ पर A2, यहाँ पर S3 था तो यहाँ पर A3, यहाँ पर S4 था यहाँ पर A4, अगर यहाँ पर SN ले रहे हैं बच्चों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा AN। अगर आप इस क्वांटिटी को LHS में भेजिए तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, AN इक्वल्स टू SN माइनस
Sn माइनस वन, और यही हमें प्रूफ करना था। यही तो हमें प्रूफ करना था कि अगर Sn हमें पता है तो ये रिलेशन आप प्रूफ करिए। तो बच्चों ऐसे कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको, जिसमें आपको Sn गिवन रहेगा और आपको An निकालना रहेगा, तो इस रिलेशन से डायरेक्टली हम सीधे फार्मूले का यूज करेंगे। बट ये आया कैसे, वो एक एग्जांपल लेकर मैंने आपको इसका प्रूफ दिया ताकि आप आसानी से समझ सको। या पैटर्न देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि Sn इक्वल्स टू Sn माइनस वन प्लस An। Sn माइनस वन को उधर भेज देंगे तो An की वैल्यू ये आ जाती है। आगे आते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अब नोट डालकर आप एक चीज लिख लीजिए। बच्चों आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, mth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। एपी का बच्चों आपने nth टर्म का जो फार्मूला पढ़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। और होता क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बच्चों इसी तरह से एक फार्मूला ये भी होता है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब बिगनिंग का मतलब शुरुआत से nth टर्म। अब ये क्या बोला जा रहा है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो ये बच्चों क्या होता है, l माइनस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर l क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। तो बच्चों इसी फार्मूले के बेसिस पे इन दोनों एक रिजल्ट होता है। रिजल्ट का स्टेटमेंट क्या है, रिजल्ट का स्टेटमेंट बच्चों ये है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड इज ए प्लस एल, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के इक्वल होता है। इसका जरा प्रूफ देख लीजिए, अभी फिर एग्जाम्पल से भी इसको हम समझा दे रहे हैं। सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, तो जरा जो ये नोट पे हमने फार्मूला दोनों लिखा हुआ उसको लिखिए, क्या nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, क्या है फार्मूला, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी तरह से nth टर्म फ्रॉम द एंड, ये फार्मूला क्या होता है, l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना क्या है, इन दोनों ही फार्मूले का क्या करना है, सम, यानी ऐड करना है, सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम द एंड, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, क्या आएगा, a प्लस एल। बहुत छोटा सा प्रूफ था बच्चों, ये प्रूफ हो गया एक अच्छा यहां से प्रूफ तो खत्म। अब जरा एग्जांपल समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सपोज करिए 2, 4, 6, 8, ……100 ये एक सीरीज है, एपी में है, आपको क्लियर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं इस सीरीज का फर्स्ट बिगिनिंग से टेंथ टर्म और लास्ट से टेंथ टर्म का सम निकालिए, तो अगर बिगिनिंग से हमको कौन सा टर्म निकालना है, टेंथ टर्म, तो बिगिनिंग से टेंथ टर्म की वैल्यू क्या होगी, ए टेन जिसको बोलते हैं, ए प्लस नाइन डी, ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू यहां पर देख रहे हो कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो 9 × 2 = 18। यानी बिगिनिंग से इस एपी का, बिगिनिंग से टेंथ टर्म की वैल्यू क्या आएगी, 20। अगर पूछे लास्ट से एंड फ्रॉम द एंड से टेंथ टर्म की वैल्यू क्या आएगी, टेंथ टर्म, वैल्यू ऑफ टेंथ टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से बच्चों देखिए फार्मूला क्या होता है, l माइनस, क्या होता है फार्मूला, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, एल की जगह पे 100 माइनस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है, टेंथ टर्म बोला जाए तो 10 माइनस 1 यानी कि 9, और d की वैल्यू क्या है, 2। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 18 यानी क्या आ जाएगा, 82। अब देखिए बच्चों एंड से टेंथ टर्म की वैल्यू क्या आई, 82, स्टार्टिंग से टेंथ टर्म की वैल्यू क्या आई, 20, और एंड से टेंथ टर्म की वैल्यू क्या आई, 82। तो क्या बोला जा रहा है, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी टेंथ टर्म, हम एग्जांपल ले रहे हैं, टेंथ ले रहे, कोई और भी ले सकते हो आप, तो टेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 20 आ रही है, ये आई, और टेंथ टर्म अगर एंड से करेंगे इस फार्मूले से एल माइनस एन माइनस वन टू डी, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 82। अब इन दोनों को ऐड करिए, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो ऐड करने पर बच्चों ये क्या रहा है, 102 आ रहा है। तो बोला क्या जा रहा है थ्योरम के अकॉर्डिंग, कि nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और nth टर्म फ्रॉम द एंड का जो सम आता है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस l के इक्वल होता है। जरा चेक करते हैं, यहाँ पर बच्चों इस सीरीज में a की वैल्यू क्या है, 2 है, l की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म 100 है। जरा इन दोनों को प्लस करिए, इन दोनों को जैसे ही प्लस करेंगे तो देखिए a प्लस l कितना आ रहा है, 102। तो बिल्कुल वेरीफाई हो गया कि नहीं ये थ्योरम, क्या
किसी एपी का nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग nth टर्म फ्रॉम द एंड का जो सम होता है वो उस एपी के फर्स्ट टर्म दैट इज ए लास्ट टर्म विच इज एल के सम के इक्वल होता है। अब बच्चे आते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। बच्चों एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो देखिए बच्चों इसका सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एन नेचुरल नंबर्स लिखेंगे, एन नेचुरल नंबर्स आर, एन नेचुरल नंबर्स लिखते हैं क्या होगा, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अप टू एंटर। अगर एन नेचुरल नंबर लिखना है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, एन है। नेचुरल नंबर आपको पता ही है, 1, 2, 3, 4 ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी ये जो एन नेचुरल नंबर बच्चों लिखे हुए हैं इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम। तो उसके लिए हमें जो टर्म्स की जरूरत पड़ेगी पहले वो लिख लेते हैं। हियर फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है। बी कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ए टू माइनस ए वन, ए टू की वैल्यू 2 है, ए वन की वैल्यू 1 है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 1। अब हमें बच्चों निकालना क्या है, एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। एस एन का फार्मूला क्या होता है, एन बाई टू। अब लास्ट टर्म तो यहाँ पर हमें पता नहीं कि लास्ट टर्म क्या है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब n की जगह पे n ही रखेंगे क्योंकि ये गिवन है, कितने नेचुरल नंबर है, n। n की कोई पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू नहीं कि 6 नेचुरल नंबर या 7 नेचुरल नंबर, n की जगह पे n ही रखे रहने देंगे। तो n बाई टू, 2a, a की वैल्यू 1 है, जब यहाँ पर रखेंगे तो 2 इंटू 1 बच्चों क्या आएगा, 1, 2 इंटू 1 बच्चों क्या आएगा, 2, n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है, 1, तो n माइनस 1 और d की जगह पे क्या रखेंगे, 1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, n बाई टू, 2 प्लस n माइनस 1, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये क्या आएगा, n बाई टू एन प्लस 1। तो आपने देखा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर बच्चों क्या आया, एस एन इक्वल्स टू n बाई टू एन प्लस 1। ये डायरेक्टली आपको 11 से जब आप जाओगे तो ये सम का फार्मूला भी आपको मिलेगा कि क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम। तो आप डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हो, आप यहाँ से अगर पढ़े रहोगे तो आप जानते रहोगे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम होता है एन एन प्लस 1 बाई 2। देखिए बच्चों अपने हम आज के आखिरी एग्जांपल पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, इन एन एपी इफ डी इक्वल्स टू 5, मतलब अगर किसी एपी में कॉमन डिफरेंस 5 है एंड एस 9, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म क्या है 75 है, देन फाइंड ए, मतलब क्या हमें फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है मतलब फर्स्ट टर्म, एंड ए 9 मतलब 9 टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है बच्चों यहाँ पर एस 9 इक्वल्स टू 75। अब बच्चों यहाँ पर हम फार्मूला रखने जा रहे हैं, एस एन का क्या होता है, एन बाई टू, एन यहाँ पर ये 9 है, तो 9 बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1, 9 माइनस 1 करोगे बच्चों क्या आएगा, 8 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 5 इक्वल्स टू ये क्या लिखा 75। बच्चों यहाँ पर हमने क्या यूज किया, फार्मूला यूज किया एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए बच्चों करेंगे क्या, इस 2 को आप भेज दीजिए RHS में, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2a प्लस 40 इक्वल्स टू 150। अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई करिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 18a प्लस 360 इक्वल्स टू 150। अब क्या करिए, 360 को आप RHS में भेजिए, तो 150 माइनस 360 करेंगे तो बच्चों ये आएगा माइनस 210, a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 210, माइनस 210 अपॉन 18। बच्चों इसको अगर 6 से आप कैंसिल करेंगे, 6 3 जा 18 एंड 6 5 जा 30, तो बच्चों फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 35 अपॉन 3, एक आंसर आ गया, a निकालना था। अब साथ ही साथ बच्चों यहां पर हमें क्या निकालना था, a9 मतलब a प्लस 8b। यहां पर हमने बच्चों कौन सा फार्मूला यूज किया है, an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चों करेंगे क्या, यहाँ पर a की वैल्यू माइनस 35 बाई 3 आई है, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, माइनस 35 बाई 3 प्लस 8 इंटू डी, डी की जगह पर क्या पुट करेंगे 5, ये हो जाएगा माइनस 35 बाई 3 प्लस 8 5 जा 40। तो 3 बच्चों एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 35
प्लस 120, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 180 में 120 में 35 माइनस करिए तो ये बच्चों आएगा 85 अपॉन 3। कहने का मतलब नाइन्थ टर्म यानी कि A9 की वैल्यू क्या आ गई, 85 अपॉन 3। तो बच्चों ये जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में देखा, किसी एपी में डी की वैल्यू दी हुई थी, S9 दिया हुआ था, आपको फर्स्ट टर्म और नाइन्थ टर्म निकालना था, तो ये हमने निकाल लिया। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अपने अगले वीडियो में, अपने अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे, कुछ और वैरायटीज के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। कहीं पे कोई भी बच्चों दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं।